नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आपने कभी नोटिस किया है कि जिस विषय में हम कमज़ोर होते हैं, जिस चीज़ में हम कमज़ोर होते हैं, उस चीज़ से हम दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये चीज़ देखने में आती है तो बचपन की एक बात याद आती है। जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर थे, हमारी टीचर कहा करते थे कि उसका तुम बार बार अभ्यास करो, उसे बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, जितना तुम अभ्यास करोगे उतना उसमें पारंगत होते जाओगे और वो कमज़ोरी तुम्हारी दूर हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही था। जीवन में भी मित्रों, जिस चीज़ में हम कमज़ोर हैं, जहाँ कमी महसूस होती है, मान लीजिए लेखनी मेरी अच्छी नहीं है, बार बार लिखने का अभ्यास करूँ, पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, बार बार अच्छे से मैं पढ़ूँ, किसी और चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, खाना बनाने में हो या अन्य किसी कला में, यदि मैं बार बार अभ्यास करूँगा तो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ये अभ्यास हमारी कमी को दूर कर देगी, हमें उस चीज़ में पारंगत कर देगी और हमारे अंदर की वो हीन भावना भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जितना हम उस कमी से दूरी बनाते रहेंगे, ना करने चाहने की एक इच्छा रखते रहेंगे, उतना ही वो कमी आजीवन बनी रहेगी। अच्छा है कि हम अभ्यास करें और उस कमी को दूर करें। तो आइए इस सुंदर बात के साथ कि अपनी हर कमी को दूर करते हुए हर कला में हम पारंगत होंगे, बढ़ते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान को अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सफलता कदम चूमने लगती है, तो वो अहंकारी हो जाता है। क्षणभंगुर प्राप्तियों को वो अपनी जीवन की खुशियों का आधार समझने लगता है। और इसके ठीक विपरीत, जब इंसान बार बार नाकाम होता जाता है, उस पर दुखों का कहर टूटने लगता है, तो वो हताश हो जाता है, गलत निर्णय लेने लगता है, अपने जीवन में किस्मत को बार बार कोसने लगता है। परंतु जीवन की सत्यता ये है कि दुख हमारे धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं और सुख हमारे अहंकार की। और इन दोनों परीक्षाओं में जो व्यक्ति उत्तीर्ण होता है, वही जीवन में सफल होता है। तो सुख और दुख के इस खेल के नियम को यथार्थ समझें और जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति। मित्रों, जीवन के हर मोड़ पर हमें धैर्यता तो रखनी ही होती है, लेकिन विशेष धैर्यता रखनी होती है जब हम शारीरिक तकलीफ में हों या हमारे अपने शारीरिक तकलीफ में हों, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत ही तो ठीक नहीं हो जाती है ना। हर चीज़ अपना वक्त लेती है, समय लेती है। वैसे ही कोई शारीरिक व्याधि आई है, वो भी वक्त लेगी। हम धीरज रखें और क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है उस पर विचार करें और वो करें भी। तो यदि धैर्यता रखेंगे और श्रेष्ठ करते रहेंगे जो उसके उपचार के लिए किया जा सकता है, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, तो निश्चित रूप से जल्दी आप संपूर्ण स्वस्थ होंगे, आपके अपने भी संपूर्ण स्वस्थ होंगे। तो आप हमेशा ही धैर्यतापूर्वक हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आजकल हम सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। एक्सरसाइज मेरे ख्याल से सभी करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने वेट को मैनेज करने के लिए। लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जो हम एक्सरसाइज, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो इन गलतियों को करते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो है प्री वर्कआउट डाइट, यानी कि एक्सरसाइज के पहले हमें कुछ अच्छी चीज़ें खा करके फिर एक्सरसाइज करना चाहिए, इसका कोई ध्यान नहीं देता है। हर कोई पोस्ट वर्कआउट मील के पीछे पड़ा है। तो आज हम समझते हैं कि इस एपिसोड में किस तरह से प्री वर्कआउट हम डाइट लेंगे। तो जो प्री वर्कआउट डाइट होता है, वो एक्सरसाइज के एक घंटे पहले हमें लेना चाहिए। आप शाम को कर रहे हैं एक्सरसाइज, सुबह कर रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक घंटे पहले इन्हें खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को वो एनर्जी मिलेगी
ताकि हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर सके, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम वर्कआउट के पहले खा सकते हैं? तो नंबर वन लिस्ट में आता है एप्पल और पीनट बटर का कॉम्बिनेशन। पीनट बटर आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, बाहर से आप खरीदोगे तो वो प्रोसेस्ड होते हैं। तो घर का बना पीनट बटर और एप्पल, इन दोनों को कंबाइन करके खाएं। और दूसरा, अगर आपको लगता है पीनट आपको सूट नहीं करता है, तो आमंड बटर के साथ आप मिक्स करके खा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम खा सकते हैं वो है भुना चना। भुना चना को आप गुड़ के साथ मिला के खा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है लिस्ट में वो है पोहा जो होता है। पोहे में आप थोड़ी सी दही और थोड़ा सा खड़ी शक्कर यानी कि मिश्री का पाउडर बना लें, वो आप मिक्स करके ले सकते हैं। जिन्हें मीठा पसंद नहीं है वो पोहा दही के साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर और पेपर पाउडर मिला के ले सकते हैं। चौथी चीज़, आप जो केला होता है, जैसे पिछले दिन की अगर चपाती बच गई है तो उस चपाती के ऊपर आप थोड़ा सा पीनट बटर लगा के एक केला कट करके आप पीसेस करके फिर उस रोटी को आप रोल करके खा सकते हैं। तो ये कुछ प्री वर्कआउट मील्स है जो हमें ज़रूर लेना चाहिए एक्सरसाइज के पहले। और याद रखिए, जो सबसे बड़ी गलती है, चाय पीकर या नींबू पानी पीकर लोग एक्सरसाइज करने निकल पड़ते हैं, जिससे एक्सरसाइज के बाद में बहुत थकावट महसूस होती है। उस थकावट को अगर आप चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो ये प्री वर्कआउट मील ज़रूर लें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी, ये बात हमेशा कही जाती है कि उसका बीज हमारे अंदर ही हमारे मन में पनप रहे चिंता, फिकर या नकारात्मकता है। जितना मन में नकारात्मक भाव होंगे, चिंता परेशानियां होंगी, उतना ही तन भी अस्वस्थ होगा, बीमार होगा। और किसी ने ये भी कहा है कि जहाँ नकारात्मकता है वहाँ खुशी नहीं रह सकती। नदी के दो पार्ट हैं, जैसे दोनों पार्टों पे एक साथ नहीं रहा जा सकता। या तो आप एक पार्ट नकारात्मकता में रह लीजिए या दूसरे पार्ट खुशी में रह लीजिए। और हम सभी चाहेंगे कि हम जीवन में हमेशा ही खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो क्यों ना नकारात्मकता को अपने जीवन से हमेशा के लिए अलविदा कह दें और खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तभी औरों को भी खुशी प्रदान पाएंगे और जीवन की हर परिस्थिति से बहुत सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। और आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति खुशमिजाज व्यक्ति के साथ ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वही हमें प्रेरित करते हैं, वही हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। आइए देखें कौन आज अपनी सुंदर खुशियों के उपहार लेकर हमारे साथ हैं। आप यहाँ आए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो मैं मूल बात पे आता हूँ। कैसा अनुभव हो रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में आकर? आपको मैं तीसरी बार आ गया हूँ। अच्छा, ये तीसरी बार? बहुत सुंदर। और पहली बार जब मैं आ गया यहाँ तो मुझे यहाँ का माहौल मालूम नहीं था जी। यहाँ क्या सिखाया जाता है, यहाँ कौन से लेक्चर दिए जाते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी पत्नी है जिसका नाम मीरा है, वो भक्ति दीदी के पास हमेशा जाती है रोज मुरली सुनने के लिए जी। तो उन्होंने आग्रह किया कि उधर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ आ गए और इस इधर का माहौल देखा मैंने, सब पॉजिटिव विचार के लोग यहाँ आते हैं जी। और पॉजिटिव ही सब करने का, निगेटिव सोचने का नहीं। हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना हम पीछे जाएंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आगे जाएंगे। ये यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी की बुराई नहीं करने की जी, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलने का, जो बोलने का अच्छा बोलने का, और अगर गलत कोई कर दे वो भी पॉजिटिव लेने का। ये तो समाज में कोई ऐसा सोचता भी नहीं जो यहाँ सोचने में मिला हमें जी। ये बहुत अच्छा लगा। सिर्फ ये ही नहीं कि यहाँ का वातावरण भी ऐसा हुआ है कि सब शिव भक्त हो गए यहाँ आने के बाद, और आत्मा परमात्मा जो हम कभी भी समाज में रहते हुए ज़्यादा विचार नहीं करते, सोचते नहीं,
या सोचने से मजबूर हो जाते हैं, एक अंदर जाना चाहते हैं, अंदर की बात सोचना चाहते हैं। मित्रों, अच्छी बातों को केवल सुन लेना समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। कहा जाता है वो तभी लाभकारी होते हैं जब वो व्यवहारिक जीवन में उतरें। सारे दिन में हम कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन अमल में कितना लाते हैं? जब हम उन्हें अमल में लाएंगे, व्यवहारिक जीवन में लाएंगे, तभी हमारा जीवन औरों के लिए प्रेरक बनेगा। तभी उन शिक्षाओं का सही सही सुंदर सार और सुख हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। और यही सुंदर प्रेरणा ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी को प्रदान कर रही हैं। वो न केवल अच्छी बातें, ज्ञान की बातें औरों को सुनाती हैं, लेकिन पहले उसे स्वयं अपने जीवन में धारण करती हैं। और यही कारण है कि उनकी बातें सभी बहुत ही प्यार से सुनते हैं और धारण करने का यत्न भी करते हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे कल्पतरु अभियान के तहत गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर एवं डिलॉयट कंपनी के तत्वाधान में सिद्रावली सरकारी महाविद्यालय पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें वन विभाग के 20 वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस दौरान संस्था द्वारा सभी को बताया गया कि कैसे हमारे संकल्पों द्वारा प्रकृति में बदलाव आते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उपयुक्त विषय पर अपने अपने विचार रखे और ब्रह्मा कुमारीज को इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद भी दिया। डिलॉयट कंपनी के इम्पैक्ट डे के अवसर पर कॉलेज के प्रांगण में काफी संख्या में वृक्ष भी लगाए गए। कार्यक्रम में ओआरसी से बीके अशोक, बीके ख्याति, बीके चंद्रकांत एवं संस्था के अनेक भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। मित्रों, कहते हैं जहां सूर्य की किरणें हों वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। सचमुच प्रेम, स्नेह, अपनापन, यही तो हमें एक सूत्र में बांध कर रखता है। और ईश्वर कहते हैं कि बच्ची, ये समूचा विश्व ही तुम्हारा परिवार है। तुम सब आपस में भाई बहने हो, एक दूसरे को प्यार दो, सम्मान दो, अपनापन दो और एक सूत्र में बंध कर रहो। सचमुच ये बात कितनी सुंदर सी है ना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाली है कि हम एक ईश्वर पिता की संतान हैं, आपस में भाई बहने हैं। तो भाई बहनों का जैसे परिवार में स्नेह होता है, अपनत्व होता है, क्यों ना वही स्नेह, प्यार, सम्मान, अपनापन हम सबको देना प्रारंभ करें। जब ये भावना हर एक मन में आ जाएगी तो सचमुच अंदर बाहर चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, अमल भी कीजिएगा, क्योंकि हम सबको मिल करके ही सारे विश्व को एक परिवार बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करना है। नमस्कार, ओम शांति।